बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू सो मच आप सब भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे नेपाल में आके, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सर ने बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा, और पास हूँ ओके हाँ जी, तो नमस्ते नेपाल, और ये मेरा पहली बार है नेपाल में, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ नेपाल प्रीमियर लीग खेलने के लिए, और ये शाली याक से कर्नाली कर्नाली याक से खेलने के लिए, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैचेस खेलने के लिए यहाँ पे, यहाँ के लोकल प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए, नेपाल के प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए, एंड एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, और साथ में नेपाल जिस चीज़ के लिए फेमस है, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर और माउंट एवरेस्ट, तो कोशिश करूँगा वो सब भी देख के जाऊँ, एक्सपीरियंस करके जाऊँ। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलो। कितना जानकारी है? मैं नेपाल के एक दो प्लेयर्स के साथ खेला हूँ आईपीएल में, लेग स्पिनर हमारा जो आपका कैप्टन भी रहा है, सोमपाल, तो उनके साथ खेला हूँ, और बाकी अब इस बारी जब खेलूँगा तो जानकारी और होगी, जब खेलता हूँ प्लेयर्स के साथ तब मैं जानकारी ज़्यादा लेता हूँ। किसके बारे में? ओवरसीज, हाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ओवरसीज प्लेयर्स आए 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 हैं यहाँ पे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और वो नेपाल के प्लेयर्स के लिए बहुत ग्रोथ होएगा, जैसे अब हम सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, तो जब वो लोकल डोमेस्टिक नेपाल के प्लेयर मैच में हमसे भी अच्छा करेंगे, तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्ट होएगा, और वो उनको जब वो नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर खेल रहे हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, इट्स अ ग्रेट लीग, आई फील इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर नेपाल क्रिकेट, एंड यू विल सी नेपाल क्रिकेट ग्रोइंग फ्रॉम हेयर, एंड ही वॉज टेलिंग मी कि अभी टिकट सारी सोल्ड आउट हो गई है, तो नेपाल के लोग सारे क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, और नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात है कि देखिए टूरिज्म तो आते ही है, बट अब प्लेयर्स आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आ रहे हैं, तो वो एक अलग अट्रैक्शन बनेगा, एक फेस्टिवल टाइप बनता है जब एक ऐसी लीग होती है, तो वो नेपाल के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ जी, हाँ देखिए, मैंने हाल ही में रिटायरमेंट ली, तो जब तक हम इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं या आईपीएल खेल रहे होते हैं, तो हमारे को अलाउड नहीं होता कि हम बाहर जाके खेलें, और एक बार जब रिटायर कर जाते हैं तो तब हम खेल सकते हैं, एंड मेरा मन आया है कि मेरे को यहाँ पे खेलना है, और कभी मैंने नेपाल देखा भी नहीं, और नेपाल के लोगों के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं, और हमारे इंडिया में भी इतने नेपाल के लोग हैं,
बचपन से ही रूबरू रहे हैं नेपाल के लोगों के साथ, तो एक हमेशा दिल में चाह थी कि भाई यहाँ आना, लेकिन जब मैचेस खेलते रहे करियर में मैचेस ही खेलते रहे, तो अब जब मौका मिला तो पहले मौका ही गिरा के लिए। हाँ जी, मैं क्रिकेट आया था देखता नहीं, जब मैं खेलता था तब भी नहीं देखता था, अभी भी नहीं देखता आया था, और क्रिकेट खेलता जाता हूँ, और बस अब मैं जैसे बोला कि अभी मैं जब खेलूँगा उनके साथ तो उनके देखूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का वो शेयर करूँगा उनके साथ। आप तो बल्लेबाज हो और नेपाली क्रिकेट टीम में भी बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं कि फास्ट बॉलर, हाँ जी, किन-किन को जानते हो आप, किन-किन से? मैं अभी तक किसी को ऐसे सोमपाल को जानता हूँ मैं बस, और यादानी जो मेरे साथ खेले, जो भी आईपीएल में खेला मेरे साथ, और बाकी अब अभी अब जान जान दोस्ती होगी सबसे, मजे करेंगे, मस्ती करते को। हाँ संदीप लामे चौधरी, हाँ बिल्कुल, संदीप के साथ मेरा बहुत प्यार था और प्यार है, और अभी मेरे को संदीप का मैसेज भी आया था कि वेलकम टू नेपाल और खेलेंगे, तो मैं एक्साइटेड हूँ संदीप से मिलने के। अभी बस अभी ओके हो गया। हाँ एक और एक दो क्वेश्चन और बता। हाँ जी एक कि गब्बर आ गया है नेपाल में और गब्बर इज बैक, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नेपाल के सारे फैंस से मिलने के लिए, ग्राउंड में उनको देखने के लिए, एंड एक्साइटेड हूँ ग्राउंड पे उतर के मैच खेलने के लिए, और मेरा खूब सारा प्यार उनको। और हाँ जी और क्या क्या प्लान है? अभी हम प्लान ही डिस्कस कर रहे हैं, पशुपति नाथ जाएंगे, पशुपति जी के दर्शन करेंगे। एक मिनट, नहीं एक मिनट, आप रुको, अभी उनका सवाल चल रहा है, तो ये प्लान कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ जी या, तो जब जब मैच खेल रहे होते हैं, जब नेट पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जब मैं उनकी बैटिंग देखूंगा या बॉलिंग देखूंगा, तो फिर वो मेरे से आके बात करेंगे, पूछेंगे, तब मैं उस मौके पे जो मैं देख के बताऊंगा। ओके ओके हो गया, थैंक यू। Thank you.